राजधानी देहरादून के टुंटोवाला क्षेत्र में खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं जो काश्तकारों की खेती की भूमि को बेचने लायक बनाए जाने के लिए रात के अंधेरे में जेसीबी चलाकर भूमि को समतल कर हजारों टन पीली मिट्टी को बाजार में ऊंचे दाम में बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसा न करने से मना करने पर गांव वालों को अंजाम देख लेने की धमकी देते हैं। विभाग अपनी आंखें बंद कर तमाशा देख रहा है और खनन माफिया धड़ल्ले से खनन को जारी रखे हुए हैं। खनन होने से आसपास के घरों को खतरा पैदा हो गया है, जो इन माफियाओं के डर के साए में जिंदगी जीने को मजबूर हो गए हैं। कोई इनकी फरियाद नहीं सुन रहा। इनका बोलना है, अगर हमारी भूमि नहीं रहेगी तो हम जी कर क्या करेंगे। आत्महत्या के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं होगा।